क्या आपको पता है कि इंसान के पैरों की एड़ियां क्यों फटती हैं? या फिर क्या आप उस ट्रिक के बारे में जानते हैं जिससे आपको एक के साथ एक पिज्जा फ्री मिल जाएगा? क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई खा ले तो उसके शरीर में क्या होगा? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है जबकि उसकी पूजा भी की जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी सड़कों पर गाय आवारा पशुओं की तरह घूमती हैं, जबकि अपना पेट भरने के लिए प्लास्टिक कूड़ा भी खा जाती हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में रहने वाले रितेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने आवारा गायों की सेवा करना शुरू कर दिया, जबकि उनके गोबर का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाने लगे। रितेश अग्रवाल ने गाय के गोबर से चप्पल तैयार की है जिसे बारिश के मौसम में 4 से 5 घंटे तक आसानी से पहना जा सकता है। ये चप्पल पानी की वजह से खराब नहीं होती है जबकि उसे धूप में सुखाकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रितेश अग्रवाल और उनकी संस्था द्वारा तैयार किया गया गोबर का बैग लेकर विधानसभा पहुंचे थे जहां उन्होंने साल 2022 का बजट सत्र पेश किया था। रितेश अग्रवाल गाय के गोबर से चप्पल समेत बैग, पर्स, मूर्तियां और गुलाल भी बनाते हैं जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। ऐसे में आप भी चाहें तो रितेश अग्रवाल की संस्था एक पहल से गोबर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है, फिर चाहे वो अपने स्कूल के दिनों में कितना ही बुरा या कमजोर स्टूडेंट क्यों न रहा हो। ऐसा ही कुछ हुआ स्टीव हार्वे नाम के शख्स के साथ, जो अमेरिका के बेहद मशहूर एक्टर, सिंगर और टीवी होस्ट पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब स्टीव स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने एक प्ले में हिस्सा लिया था। उस वक्त उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए वो लोगों को अपने सामने देखकर घबरा जाते थे। ऐसे में स्टीव की टीचर ने उनसे कहा था कि वो कभी टीवी पर नहीं आ पाएंगे और न ही एक्टिंग कर पाएंगे। स्टीव को अपनी टीचर की ये बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने डर को दूर भगाया। ऐसे में जब स्टीव अमेरिका के प्रसिद्ध एक्टर बन गए तो उन्होंने अपनी टीचर के घर टीवी भिजवाना शुरू कर दिया ताकि वो रोजाना स्टीव को टीवी पर देख सकें। स्टीव हर साल क्रिसमस के मौके पर अपनी टीचर को एक टीवी गिफ्ट करते हैं ताकि वो उन्हें ये बता सकें कि वो एक पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में पैसा कमाना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे का हमारे दिमाग और विचारों पर कैसा असर पड़ता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पैसा इंसान को बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है और उसे आत्मविश्वास से भर देता है। अगर किसी इंसान के हाथ में पैसा हो तो वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ना हो या पैसों की तंगी चल रही हो तो उसे अपने आप तनाव महसूस होने लगता है, फिर चाहे उसे खाने पीने या रहने की कोई दिक्कत ना हो। इस दुनिया में पैसा इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि अब हम इंसानों की भावनात्मक क्रिया भी उससे जुड़ गई है, जिसकी वजह से हम खुश या दुखी महसूस करते हैं। खासतौर से अगर लड़कों के पास पैसा होता है तो वो ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और किसी भी जगह पर खुलकर खर्च करने में यकीन रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुन ले, क्योंकि ऐसा करने से वो आगे चलकर मुश्किल में पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को सुबह नींद से उठने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए वो अलार्म लगाकर सोते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है उसकी नींद कम होने लगती है और वह सुबह टाइम से उठने का आदी हो जाता है। एक सर्वे की माने तो 25 साल की उम्र के बाद इंसान सुबह बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाता है, जिसकी सबसे अहम वजह होती है नौकरी और काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। ऐसे में 25 से 40 की उम्र के बीच इंसान बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठता है, जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। दरअसल इंसान का दिमाग खुद एक घड़ी की तरह काम करता है, जो ज्यादा वर्क प्रेशर होने की स्थिति में शरीर को समय पर उठने और सोने का सिग्नल देता है। ऐसे में अगर आपकी नींद भी सुबह जल्दी खुल जाती है तो आपके ऊपर जरूर काम का प्रेशर और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी रहती होगी। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि भारत समेत दुनिया भर में कोयला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में बिजली और ईंधन संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो राख से कोयला बनाने का तरीका सीख लीजिए। दरअसल बिहार के मंझरिया गांव में रहने वाले रामेश्वर कुशवाहा ने राख से कोयला बनाने का कारनामा करके दिखाया है, जिसमें उन्हें लगभग 8 साल का समय लग गया था। उन्होंने धान के भूसे, गन्ने के सूखे पत्तों और पराली को एक साथ मिलाया और फिर उस सामग्री में चारकोल ब्रिक्स मिलाकर कुछ सालों के लिए जमीन के अंदर दबा दिया, जो बीते वक्त के साथ कोयले में तब्दील हो गया। इस कोयले को जलाने पर बदबू नहीं आती है, जबकि उससे बनने वाली राख को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रामेश्वर कुशवाहा के इस आइडिया को सरकार द्वारा पेटेंट कर लिया गया है, जिससे आगे चलकर कोयला बनाने का काम किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य है। आप में से बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा या फिर आपको किसी की बात बुरी लग जाती होगी। ऐसे में अपने आप को परेशान करने के बजाय आपको समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए।
अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो एक पेपर पर सीधी लाइन बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से दिमाग का पूरा फोकस लाइन बनाने में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान का गुस्सा कम हो जाता है। वहीं अगर आप किसी बात से उदास या दुखी महसूस कर रहे हैं, तो एक पेपर पर इंद्रधनुष की तस्वीर बना लीजिए। ऐसा करने से आपके दिमाग में खुशी वाले हार्मोन्स विकसित होने लगेंगे, क्योंकि रंगीन कलर हमारी आंखों के साथ साथ दिल और दिमाग को भी शांत करने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई लोग जिम जाकर ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मशीन को घर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1818 में ट्रेडमिल का इस्तेमाल वजन घटाने या फिर फिट रहने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इस मशीन का आविष्कार इंग्लैंड के कैदियों को सजा देने के लिए किया गया था। इंग्लैंड में जेलों में ट्रेडमिल रखे जाते थे, जिनमें कैदियों को पूरे दिन भर रनिंग करनी होती थी। लेकिन बीतते वक्त के साथ ट्रेडमिल जेल से बाहर आकर लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बन गए, जिसका इस्तेमाल आप में से बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए करते होंगे। फैक्ट नंबर 8, आज के आधुनिक युग में किसी भी पार्टी के दौरान पिज्जा जरूर ऑर्डर किया जाता है, जिसमें कई तरह के साइज होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 12 इंच का पिज्जा ही ऑर्डर करते हैं, जबकि ज्यादा लोग होने पर 12 इंच के 2 या फिर 3 पिज्जा ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिज्जा कंपनियां 12 इंच से बड़े पिज्जा भी सर्व करती हैं, जिसमें 18 इंच का पिज्जा सबसे बड़ा और फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल ये पिज्जा 12 इंच के पिज्जा के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है, जबकि इसकी कीमत 12 इंच के 2 पिज्जा बॉक्स से भी कम होती है। ऐसे में अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और ज्यादा पिज्जा खाना चाहते हैं, तो 12 इंच की जगह 18 इंच का पिज्जा ऑर्डर करें। ऐसा करने से आपको पिज्जा बड़े साइज का मिलेगा, जबकि पैसे भी कम खर्च होंगे और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने एक के साथ एक पिज्जा फ्री में हासिल कर लिया है। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोग गर्मी का मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई का सेवन किया जाए तो क्या होगा? आमतौर पर दवाई खाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो दवाई को आसानी से पेट तक पहुंचा देता है और उसे जल्दी पिघलाने में भी मदद करता है। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई का सेवन करेंगे, तो उसकी वजह से आपका पेट अलग तरह के केमिकल रिलीज करने लगेगा। दरअसल कोल्ड ड्रिंक में गैस और सोडा जैसी चीजें होती हैं, जिसे पचाने के लिए हमारा पेट खास तरह का केमिकल रिलीज करता है। ऐसे में अगर आप कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई खा लेंगे, तो उस केमिकल के संपर्क में आने की वजह से दवाई अच्छी तरह से पिघल नहीं पाएगी और ना ही उसका असर आपकी बॉडी पर होगा। उल्टा पेट के केमिकल और कोल्ड ड्रिंक के विभिन्न तत्वों के साथ मिल जाने की वजह से आपका पेट खराब हो सकता है या फिर आपको उल्टी आ सकती है। इसके अलावा कई मामलों में पेट में गैस बनने, चक्कर आने और बेहोशी की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दवाई का आपके शरीर पर सही असर हो, तो दवाई को हमेशा पानी के साथ ही ले और इस तरह का प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े उम्र या बुजुर्ग लोगों के पैरों की एड़ियां फटी होती हैं या फिर उसमें दरारें आई होती हैं, जिसमें कभी कभी दर्द भी होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एड़ियों में दरार आने की असल वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? दरअसल जिस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है या फिर उसकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उनके पैरों की एड़ियां बहुत जल्दी फट जाती हैं। ऐसे में एड़ियों को ठीक रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा पैरों के तलवों में तेल मालिश करनी चाहिए, ताकि त्वचा का रूखापन दूर हो सके। इसके अलावा जो लोग खेतों में ज्यादा काम करते हैं या फिर लंबे वक्त तक नंगे पैर रहते हैं, तो उनकी एड़ियां भी बहुत ज्यादा फटती हैं। ऐसे में उन लोगों को भी अपनी एड़ियों का खास ख्याल रखना चाहिए, जबकि पैरों की रोजाना मालिश करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, ताकि पैरों की एड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके। दरअसल पैरों की एड़ियों पर शरीर का पूरा वजन निर्भर करता है। ऐसे में अगर उनमें दरार या क्रैक आ जाएगा, तो उससे चलने फिरने में समस्या हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।